रेलवे अप्रैल में अंबेडकर सर्किट ट्रेन शुरू करेगा। रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सर्किट का भी हम अप्रैल 14 तारीख से शुरू करने का निर्णय किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जन्मस्थान से लेकर अंतिम संस्कार तक जिधर जिधर बाबा साहब अंबेडकर रहते थे उस जगह कवर करते हुए इस अंबेडकर सर्किट का काम शुरू किया है। पर्यटन मंत्री ने सिविल एविएशन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने की जानकारी भी साझा की। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का हम रिकॉग्निशन करके इसमें आउट ऑफ 59 अभी तक हम 51 टूरिस्ट रूट्स को उड़ान के रूप पर हम वेबिलिटी गैप फंडिंग देने का निर्णय किया है, इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं। सऊदी अरब की राष्ट्रीय एयरलाइंस सऊदिया ने एक डिजिटल इंटीग्रेशन प्रणाली की शुरुआत की है जो ट्रांजिट वीजा को फ्लाइट टिकट से भी जोड़ती है। इस नई प्रणाली के तहत यात्री 96 घंटे यानी कि 4 दिन बिना किसी परेशानी के सऊदी में रह सकता है। चार धाम यात्रा करने वालों के लिए अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। उत्तराखंड सरकार के हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तराखंड के मूल निवासियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेमन ट्री होटल जल्द ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपनी नई प्रॉपर्टी लॉन्च करने जा रहा है। 34 कमरों वाली ये प्रॉपर्टी इस साल जून तक यात्रियों के लिए खुल जाएगी। महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल के बजट में 2500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान रखा है। उड़ीसा के लिए पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 दिवसीय भीतरकनिका महोत्सव पहली बार नलिता पटिया विलेज में आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव फॉरेस्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर आयोजित करते हैं। महोत्सव 10 मार्च से शुरू होगा। 2 साल के अंतराल के बाद बिहार पर्यटन विक्रमशिला महोत्सव करने जा रही है। ये महोत्सव 17 मार्च को शुरू होगा। आगामी 2 मार्च से इंडिगो मुंबई से सिलचर और दिल्ली से ईटानगर के लिए नई उड़ानों की शुरुआत करेगा। भारत से साउथ अफ्रीका घूमने जाने वाले 64% यात्री मुंबई से। We're now sitting at 50,000, which is a 200% post-COVID in terms of an increase. We're projecting a 73% increase in terms of our target is a 73% on what we are sitting on. 64% are coming out of Bombay. We also know that Bombay is giving us huge MICE numbers, and our MICE engagement with corporates is really showing us flames in terms of interest, and we're going to continue to grow the MICE sector, what we call business tourism.